तो देखिए इस तरीके से कपड़े के दो पीसेस लिए हैं। ये मैंने लिया है 15 बाय 15 इंच, और जो नीचे वाला लिया है वो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम उसमें ज़िप लगाएंगे। तो 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं फ्रंट वाला, और जो ये बैक वाला पोर्शन है इसमें हम ज़िप को अटैच कर लेते हैं। तो इसे हम सबसे पहले सेंटर में से कट करके अलग कर लेंगे और अब इसमें ज़िप लगाएंगे। तो पहले हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई आपको मोटी 5 नंबर की लगानी है। अब इसे इस तरीके से प्लेन बिठा के प्रेस कर लीजिए। अब ज़िप की सीधी तरफ आपको अंदर की तरफ रखनी है, और यहाँ पे हम इसके दोनों तरफ इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए पूरे पे लंबाई पे इस पर सिलाई लगा लीजिए। दूसरी तरफ भी हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली। अब ये जो इसकी बीच की सेंटर वाली सिलाई है जो हमने मोटी 5 नंबर के बखिए पे लगाई थी, इसे हम उधेड़ देंगे। तो हम इसे पूरा निकाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये जिपर इसके बीच में बिल्कुल अटैच हो गई है। देखिए इस पूरी सिलाई को, सेंटर वाली को हम उधेड़ देंगे। ये इसीलिए हमने मोटी सिलाई लगाई थी ताकि बाद में उधेड़ने में आसानी हो। ये देखिए तो हमारी जिप देखिए इस तरीके से इसमें इंसर्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, पहले हम फ्रंट वाला पोर्शन लेते हैं इस तरीके से, और इसे हम राउंड शेप देंगे। तो हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे राउंड शेप दे दीजिए। इस तरीके से पूरा राउंड में बराबर से निशान लगाते हुए अब इसकी कटिंग कर लीजिए। ये हमने कटिंग कर ली। अब हम बैक पोर्शन की भी कटिंग कर लेंगे इसी शेप में। पहले हम जिप को ऊपर से स्टिच कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा रनर बाहर ना निकले। अब हमने जो राउंड कट किया था इसके ऊपर रखेंगे, और हम ये बैक पोर्शन भी कट कर लेंगे। इसे भी कट कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने कट कर लिया। तो फ्रंट और बैक दोनों हमारे रेडी हो गए। अब बैक पोर्शन रखते हैं और फ्रंट पोर्शन पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया मैंने। अब हम इस पर फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल लगाने के लिए 6 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने। लंबाई आपके पास जितनी भी कपड़े में से निकलती है वो लेनी है। अब हम इसमें गैदर्स डालेंगे। देखिए इस तरीके से, तो बिल्कुल छोटे छोटे हमें इसमें गैदर्स डालने हैं। ये देखिए इस तरीके से क्लोजअप में दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर इस तरीके से इसके गैदर्स आते हैं। इस तरीके से हम एक लंबी सी पट्टी रेडी कर लेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ बीच में से सेंटर में से इसे लगाना शुरू करेंगे। तो पूरा राउंड में पहले नाप लेती हूँ, और नाप के जो भी एक्स्ट्रा है हम कट कर लेते हैं। तो ये मैंने नाप लिया, एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया इस तरीके से। अब पहले हम इसे साइडों से स्टिच कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसे उधेड़ लेती हूँ यहाँ साइड से, और इसके दोनों कॉर्नर मिला के पहले हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पकड़ना है ताकि हमारा बिल्कुल फिनिश बने। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली, तो हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया। अब इसे रखते हुए पूरे राउंड पे हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली। बीच में हम इसके सेंटर में बाद में लगाएंगे, पहले हम फ्रिल लगा लेते हैं सारी। तो यहाँ से अंदर की तरफ मैं निशान लगा लेती हूँ जो हमें दूसरी वाली फ्रिल लगानी है। तो ये देखिए मैंने पूरा निशान लगा लिया। अब हम यहाँ पे फ्रिल रखेंगे और हम पूरा राउंड में लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे रखना है इसे, और पूरा राउंड पे इस पर सिलाई लगा लीजिए। हमने जो निशान लगाया था उसी निशान पे गोल घुमाते हुए हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। अभी पूरी सिलाई नहीं लगानी है, पहले हम इसे कट कर लेंगे नाप के। ये देखिए इस तरीके से
पहले हम इसका साइड वाला इस तरीके से कॉर्नर बना लेते हैं जैसे हमने पहले बनाया था। ये देखिए इस तरीके से हम साइड वाली ये सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, अब हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा फिनिश हो गया। अब इसे पूरा इस तरीके से गैदर्स बनाते हुए इस पे पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए तो मैंने सिलाई लगा ली, सेकंड फ्रिल भी लग गई। सेम इसी तरीके से हमें थर्ड फ्रिल लगानी है और ऐसे ही चारों फ्रिल हम अटैच कर लेंगे। देखिए तो ये थर्ड वाली लगा रही हूँ मैं, देखिए बिल्कुल वैसे ही आपको लगाना है जैसे हमने सेकंड वाली लगाई थी। थर्ड भी लग गई, अब हम फोर्थ लगा लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से लगाना है। ये देखिए चारों फ्रिल हमारी लग गई, अब हम सेंटर वाला बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें राउंड पे निशान लगाना है। पहले इस पे सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे मार्जिन देते हुए साइडों से कट कर लेंगे पूरा सर्कल। अब बीच में से छोटा सा कट लगाते हुए हम इसे सीधा कर लेंगे। साइड से नोचिस लगा दिए, अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए तो हमारा सर्कल बन गया। इसे बीच में रखना है और चारों तरफ आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए ये हमने सिलाई लगा ली। अब हमें दूसरे वाला जिपर वाला पीस लेना है जो हमने बनाया था, इसे हम अटैच करेंगे। तो फ्रिल को आपको अंदर की तरफ कर देना है, देखिए इस तरीके से, ताकि फ्रिल पे आपकी सिलाई ना लगे। और हम इस पे पूरे राउंड पे सिलाई लगा लेंगे। फ्रिल को अंदर की तरफ करते रहेंगे और पूरे राउंड पे हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए पूरे राउंड पे मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए। ये देखिए तो यहाँ पे हमारी जिप लग गई, यहाँ से कुशन अंदर जाएगा और ये हमारा कुशन कवर देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने बनाया है। ये देखिए कुशन, इसे भी मैंने कतरनों को फिल करके बनाया है, तो घर पे ही आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम इसे इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। तो जब भी वॉश करना है कुशन को निकाल लीजिए और आप इसे इजीली वॉश कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल, इजी और आसान तरीके से देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है।